कैसे हो? सब अच्छा? पहले तो आप सभी से बहुत बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि मैंने पिछले 5 दिन से कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं किया है। भैया इस टाइम टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉल अभी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं जो वीडियोज हूँ अगला वीडियो बना दूंगा। काफी लोगों को दिक्कत आ रही है कि एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, तो भैया एडमिट कार्ड जो आएगा उसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो वीडियो कल ही अपलोड कर दूंगा। और मैं हर सैटरडे संडे को टोटल कम से कम 7 से 8 लेक्चर डालूंगा डेली, क्योंकि मेरी सैटरडे संडे ही ऑफ रहता है, बाकी तो मैं टोटल बिजी रहता हूँ। इसलिए सैटरडे संडे को मैं कोशिश करूंगा 8 से 10 वीडियो तो हो ही जाए आप लोगों के। तो मैंने कारोबार क्या क्या करा दिया है, लिमिट के 2 लेक्चर हो गए, एज का एक हो गया है, कॉम्प्लेक्स का एक हो गया है, वर्क एंड टाइम का एक है। आज मैं टॉपिक है वो है सेट थ्योरी, तो इसका पहला दूसरा दोनों लेक्चर आज ही अपलोड कर दूंगा। पहला लेक्चर आज है और जो दूसरा लेक्चर होगा वो आपको इवनिंग नाइट में 10 बजे के बाद मिलेगा, ठीक है। तो लिमिट्स के जो 2 वीडियो हो गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है सेट होता क्या है। सेट थ्योरी मतलब समुच्चय सिद्धांत, जो होगा सेट। देखो यहां पे डेफिनेशन कभी नहीं आएगी, तो सीधे सीधे नोटेशन की बात करते हैं। इसका जो नोटेशन होता है, इस सिंबल से हम लोग उसको क्या करते हैं, नोटेट करते हैं। और जो इसके अंदर जो लिखा होता है ए बी सी, ये सब क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। और इसका जो नोटेशन होता है कैपिटल्स होता है, जैसे कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी हो गया, ये होता है सेट का नोटेशन। अब वन थिंग यहां पे ये आती है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि भैया सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होता। जैसे ए इज इक्वल टू अगर हमारे पास है ई एल ई पी एच ए एन टी, कहता है इसको सेट के अंदर लिखो, तो सेट के अंदर कैसे लिखेंगे, ए फिर ई एच एल एन पी टी, फिर हो गया। यानी हमने क्या किया, कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया। तो सेट से पहले सेट की प्रॉपर्टीज ही होती है, ठीक। सेट का नोटेशन क्या होता है, सेट को इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से हम लोग रिनोट करते हैं, और इसके अंदर जो लिखे होते हैं इनको बोलते हैं ना एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक। और इसको जो डिनोट करते हो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। जैसे आपके पास सेट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है कि सेट के अंदर नंबर्स जो है एक टाइम लिखे जाएंगे, डबल टाइम नहीं लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं सिंबल्स की, तो सबसे पहले हम सिंबल्स की ओर बढ़ेंगे। तो सिंबल्स याद रखना, मैं एक साइड सिंबल लिख रहा हूं, एक साइड का मीन, इसको बोलते हैं सच दैट। बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रेटर इक्वल टू, ये सबको पता होगा। लेस इक्वल टू ये भी पता होगा, ग्रेटर देन ये भी जानते होंगे, लेस देन ये भी जानते होंगे, तो इनके भी मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, इनके भी आप लोग सेल्फ जानते हो, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर इक्वल टू लेस इक्वल टू। इसके बाद ऑल, ये जो होता है ये होता है सेट का प्रॉपर सबसेट सबसेट यूनियन इंटरसेक्शन तो सबसे पहले सेट में हम इसके सिंबल्स को करा देते हैं। तो कुछ सिंबल उनके मीन है, ये होता सच दैट belongs to, does not belongs to, ये सबको बताओ, greater than equal to, less equal to, greater than, less than, इसको बोलेंगे all, you get set, you get proper subset, you get subset, you get union। proper subset को हम लोग बोलते हैं उचित उप समुच्चय, उचित
उप समुच्चय। सबसेट को बोलते हैं उप समुच्चय, यूनियन सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इतने नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास है इंटरसेक्शन फाई, ठीक है। फाई क्या होता है? रिक्त समुच्चय, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, इमेजिनरी नंबर, आई प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, निगेटिव इंटीजर, एलिमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय, पी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए। कितना क्लियर हुआ? पिछले वाले और ये वाले, ये हमारे पास कुछ नोटेशन है, हम लोगों को क्या करने हैं, याद रखने। आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेट। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्त समुच्चय, जिसको बोलते हैं ब्लैंक सेट या फिर फाई। इसको हम लोग बोलते हैं फाई से डिनोट करेंगे, या फिर इसको हम लोग लिखेंगे इस टाइप से। यह बस क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है, यानी कि एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं इसको। सेकेंड है एकल समुच्चय, मतलब सिंगलटन सेट, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स हो सकता है, वन हो गया, टू हो गया, या फिर ए हो गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? एक होगा, ठीक। थर्ड हमारे पास परिमित समुच्चय, डेफिनेट सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सके, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिफाइन हो। जैसे ए इज इक्वल टू लिखा है 1, 2, 3, ठीक है, यानी हमें पता है 1 से 3 तक नंबर है, तो ये क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। ए इज इक्वल टू है 2, 4, 6, 8, 100। ये हमको पता है इवन नंबर ऑफ सेट है, और कहां तक है? 100 तक है। यानी कि ऐसा सेट जिसको हम लोग डिफाइन कर सके वो क्या होता है? परिमित समुच्चय होता है, डेफिनेट सेट होता है। फोर्थ है अपरिमित समुच्चय, इंडेफिनेट होता है हमारे पास इसमें। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज्यादा हो, जो हम लोग डिफाइन ना कर सके, जैसे 1 से लेके इनफाइनाइट टर्म्स तक। 1 से इनफाइनाइट टर्म्स हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि पता नहीं कहां तक होगा, तो यानी जिसकी लिमिट बता ना सके वो होता है अपरिमित समुच्चय। फिफ्थ असंयुक्त समुच्चय, यानी a इज इक्वल टू कर हमारे पास है 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू है 5, 6, 7। इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन दिख रहा है? यानी अगर हमारे पास a इंटरसेक्शन b 5 आ जाए, इंटरसेक्शन आगे बताऊंगा, a इंटरसेक्शन b 5, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, तो उसको हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट, यानी कि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, ठीक है। इतना हुआ सबसे पहले रिक्त समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, एकल समुच्चय ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, परिमित समुच्चय ऐसा सेट जिसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट हम लोग क्या कर सके? डिफाइन कर सके। अपरिमित समुच्चय नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी डिफाइंड, हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते भैया, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, ठीक है, या इवन नंबर्स ऑफ सेट हो सकता है, ठीक, जैसे स्टार्स का सेट हो गया, ठीक, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट, ऐसा समुच्चय या ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, इनमें अगर कॉमन लिया जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। आगे बढ़ते हैं आज का ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा करना, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन आज की वीडियो में ही करा दूंगा। कल की वीडियो में थोड़ा सा रखूंगा जो कि मैं लुसेंट वाली बुक से कराऊंगा, ठीक है। तो आज टाइम्स करा रहा हूं, और इसके बाद जो वीडियो होगी आज शाम को ही आएगी, तो उसमें मैं लुसेंट की बुक के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद आपको करते हैं 6 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, उप समुच्चय, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सबसेट। भैया ये क्या होता है इसको देखना, जैसे a इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3, b इज इक्वल टू है 2 4 2 3, c इज इक्वल टू है 1, d इज इक्वल टू है 1.2 और e इज इक्वल टू है 1 2 3, इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा करना, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन आज की वीडियो में ही करा दूंगा। कल की वीडियो में थोड़ा सा रखूंगा जो कि मैं लुसेंट वाली बुक से कराऊंगा। ठीक है, तो आज टाइम्स करा रहा हूं और इसके बाद जो वीडियो होगी आज शाम को ही आएगी, तो उसमें मैं लुसेंट की बुक के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद हम करते हैं 6 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, उपसमुच्चय, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सबसेट। भैया ये क्या होता है इसको देखना, जैसे a इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3, b इज इक्वल टू है 2 4 2 3, c इज इक्वल टू है 1, d इज इक्वल टू है 1.2 और e इज इक्वल टू है 1 2 3, इतने एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो हो गया, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो सबसे पहले ये जानो कि इसको नोटेट से करते हैं, बता चुके तुमको इसका नोटेशन भैया ये होता है, इस सिंबल से इसको नोटेट करते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हमारे पास ए सेट है, बी सेट है, सी है, डी है, ई है, ये गिवन है, यानी कि ऐसा सेट वो कहता है कि भैया कम से कम एक या कुछ भी नहीं रखो, यानी कि एलिमेंट्स हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, यानी जो दूसरा सेट हो उसके एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स से सारे मैच करें, सारे मैच करें या कोई भी ना मैच करें, यानी 5 हो लेकिन इससे ज्यादा ना हो। कैसे, अगर बी है वो ए का क्या होगा सबसेट होगा। ठीक, बी ए का सबसेट होगा लेकिन ए बी का सबसेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 है, 2 ही एलिमेंट है इसमें 3। जो अगर किसी का सबसेट हो तो जितने एलिमेंट इसमें है उनमें से कोई एक होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए उससे कम ही होने चाहिए या इक्वल हो। अगर सी है, क्या सी ए का सबसेट है, है। डी है, डी का सबसेट है, है। ई है, ई भी ए का सबसेट है क्योंकि इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है। अगर हम एफ लिखते हैं 1 2 3 4, कहते हैं क्या एफ ए का सबसेट है, तो एफ ए का सबसेट नहीं होगा, ए एफ का है, हाँ ए एफ का होगा लेकिन एफ ए का सबसेट नहीं होगा। और एक खास बात, जो फाई होता है, फाई वो सभी समुच्चयों का या सभी सेट का सबसेट होता है। इतना क्लियर हुआ, सबसेट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट क्या होती है। तो ये नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी उप समुच्चयों की संख्या इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कहता a इज इक्वल टू a कॉमा b, कहता इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। ठीक है, तो भैया नंबर कितने आएंगे, एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो ये आएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या बनेंगे, 4। कौन कौन से, एक तो सबसे पहले 5, दूसरा a, तीसरा b और चौथा a कॉमा b। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, यानी सेल पहले a 5 होगा, फिर a होगा, b होगा, a कॉमा b होगा, ये नंबर ऑफ सबसेट हो गए, सबसेट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं पावर सेट, इसको बोलते हैं घात समुच्चय।
ठीक है, ये क्या हुआ घास समुच्चय। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग कहेंगे पी ए, इसको लोग बोलते पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए। ठीक, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी भी संख्या हमारे पास 2 की पावर n होगी। इसकी लेकिन डेफिनेशन क्या होगी, जो हमारे पास उप समुच्चय होते हैं उनको अगर हम एक सेट के अंदर पैक कर दें, यानी जो हमारे पास उप समुच्चय ये आए थे, क्या क्या आए थे, एक फाई आया था, एक a आया था, एक b आया था और एक a कॉमा b आया था, अगर इन सभी को एक सेट के अंदर पैक कर दिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, पावर सेट होगा। यानी अगर हमसे कहता है कि a कॉमा b अगर एक ए गिवन है और कहता है इसके कितने पावर सेट बनेंगे, तो भैया 2 की पावर 2 बनेंगे यानी 4 बनेंगे, कौन कौन से, 5 ए बी ए कॉमा बी, लेकिन इनको भी एक सेट के अंदर पैक करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, उप समुच्चयों का जो समुच्चय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उप समुच्चयों का समुच्चय उसको बोलते हैं घात समुच्चय या पावर सेट। क्लियर हुआ, उप समुच्चय हुआ और घात समुच्चय हुआ। अब चलते हम लोग उचित उप समुच्चय की ओर। अब बात करते हैं उचित उप समुच्चय, ये क्या होता है, अगर a इज इक्वल टू लिखा है 1 2 3, b इज इक्वल टू है 1 2 3 और c इज इक्वल टू है 1 2 और d इज इक्वल टू है 1, तो भैया हमारे पास उचित उप समुच्चय को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ये होता है कि कम से कम एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो दूसरा सेट हो उसमें उससे एक सेट कम होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट कम होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो भैया ये नहीं है, सी ए का प्रॉपर सबसेट है ये है क्योंकि इसमें 1 और 2 है, एक तो नहीं है ना, बी भी ए का है क्योंकि इसमें 2 नहीं है, चलेगा, लेकिन पूरे एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट होता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इज इक्वल टू 2 to power n-1। अगर कहता है ये गिवन है, कहेगा कि इसे कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर n-1। अब दो तीन हमारे पास मेन चीजें वो क्या है वो भी देखते हैं। ये है यूनियन यानी संघ समुच्चय, इसको बोलते हैं यूनियन। अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 है, b इज इक्वल टू 2 4 5 है, हमसे कहता a यूनियन b फाइंड करो, तो a यूनियन b क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें पूरे एलिमेंट्स लिख लें, जैसे यूनिवर्स, यूनियन से होता है यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स क्या होता है, ऑल जो स्टार्स हैं, जो हमारे पास उपग्रह हैं, इन सभी का पूरा सेट। तो ऐसे ही हमारे पास इसका मतलब हुआ a यूनियन b का सभी को ले लो कॉमन, तो 1 2 3 4 5 हमारे पास a यूनियन b क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया संघ समुच्चय। अब इसी में आता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, a इंटरसेक्शन b, ये इंटरसेक्शन क्या होगा कि इन दोनों में जो टर्म कॉमन मिल रहा हो, क्या मिल रहा भैया, 2 मिल रहा है, तो आंसर क्या हो गया 2, यानी कि यूनियन का मतलब होता है सभी को ले लो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन मिल लो। अब आता है माइनस करना, जैसे a माइनस b पूछता है, तो समझो a लिखो 1 2 3 माइनस b लिखो 2 4 5, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 2 2 कैंसिल हो रहा है, किससे सबट्रैक्ट कर रहा हूं, किसको सबट्रैक्ट करो, ए को करोगे किससे, बी से, तो जिसको करोगे हम लोग उसके नंबर लिखेंगे, तो आंसर ऐसा कितना आएगा 1। क्लियर हुआ, अगर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं, ए से बी को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी ए को बी से सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास इसको कैसे लग गया, जो पहली प्रायोरिटी होगी हम लोग उसके सेट को लिख लेंगे, तो आंसर आएगा इसका 1 कॉमा 3। क्लियर, अगर इन केस बी माइनस ए पूछता तो बी लिखो 2 4 5 माइनस ए 1 2 3, कैंसिल करो 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा इसमें 4 n कॉमा 5। क्लियर हुआ, सबसे पहले क्या देखा, इंटरसेक्शन,
यूनियन फिर सबट्रैक्शन, क्लियर हो गया ना। अब एक और बचा है वो क्या है देखते हैं, पूरा समुच्चय। ये क्या होता है, किसी का डैश निकालना है, ए डैश बी डैश ये आता है। हमको क्या गिवन होगा, यूनियन एक गिवन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ए गिवन है, 2 3 बी गिवन है, 5 6 7 क्वेश्चन है कि फाइंड ए डैश। किसी सेट का डैश पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि यू माइनस ए। तो भैया क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए कितना है 2 3। तो भैया ये 2 कैंसिल 3 कैंसिल, कितनी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, 1 4 5 6 7 क्लियर हो गया। अगर ऐसे बी डैस कहता तो क्या करते हैं, यू माइनस बी, यू से बी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या पढ़ा, सिंबल ऑफ सेट पढ़ लिए, सिंबल ऑफ सेट मैंने लिखा दिए। इसके बाद काइंड्स ऑफ सेट, काइंड्स ऑफ सेट में क्या था, सबसे पहले पाई था रिक्त समुच्चय। पाई क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, यानी कोई भी एलिमेंट्स ही ना हो। उसके बाद क्या था, सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में क्या था, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड सेट क्या हो गया, थर्ड सेट था हमारे पास परिमित समुच्चय यानी डेफिनेट सेट, जितने सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स संख्या को क्या उसके डिफाइन कर सके। फोर्थ क्या था, फोर्थ था अपरिमित समुच्चय, ठीक है, यानी कि इनफिनिटी सेट, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हो जो हम लोग डिफाइन ना कर सके अपनी लैंग्वेज में। इसके बाद क्या था, फोर्थ, तो फोर्थ हो चुका। फिफ्थ था असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट, ऐसा सेट कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना मिले, यानी ए इंटरसेक्शन बी आ जाए, फाइ आ जाए, तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। उसको लोग क्या बोलते थे, उसको लोग बोलते थे असंयुक्त समुच्चय, ठीक। इसके बाद हमारे पास सिक्स नंबर क्या आया, सिक्स नंबर आया उप समुच्चय, सबसेट। सबसेट क्या होता है, ऐसे दो सेट या तीन सेट या चार सेट का बोल सकते हो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सब क्या हो, इक्वल हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते। इसकी नंबर कितने होते हैं, 2 की पावर है। इसके बाद क्या था, घात समुच्चय यानी पावर सेट। सभी उप समुच्चयों का जो समुच्चय था उसको क्या बोलते थे, घात समुच्चय, पावर सेट बोलते थे। इसके बाद हमारे पास क्या आया था, घात समुच्चय के बाद उचित समुच्चय, ठीक है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या था भैया, एक एलिमेंट्स को आप हटा दोगे, बाकी सबको रख सकते हो, किसी एक को हटाना पड़ेगा। इसकी नंबर क्या थी, 2 की पावर n-1। फिर हम लोगों ने क्या देखा, यूनियन। यूनियन क्या होता है, ए और बी का यूनियन निकाल देंगे तो सारे एलिमेंट्स को उठा के रख देंगे। फिर क्या, इंटरसेक्शन, दोनों में जो कॉमन है। फिर क्या है, ए माइनस बी, अगर ए से बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है, जो कैंसिल और कैंसिल कर दो, ए वाले नंबर रख लो ना यार, ठीक है, बी माइनस ए, बी वाले कैंसिल कर दो, बी के एलिमेंट सबको बी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हो आप, पूरा समुच्चय। इसको बोलते हैं ए डैश निकालना, जिसका डैश आएगा उसको हम लोग यूनियन से यानी कि यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया पूरा समुच्चय। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, आगे का लेक्चर। अब इसके बचे हैं क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जितने हो जाएंगे। तो एक चीज और कि भैया एक थ्योरम और पूछा कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर बता दो, मैं अगले टर्म पे कराऊंगा ए डैश का डैश। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट टर्म पे मैं इसे क्वेश्चन करा दूंगा और वैन डायग्राम भी समझाना है, तो वैन डायग्राम भी समझा देंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं। और भैया हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, जिसको भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर दो, कॉल करोगे तो मैं उठाता हूँ, नहीं रिसीव करता हूँ ये पता नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑल टाइम बिजी हूँ इस टाइम थोड़ा सा, ठीक। तो बाकी जो है मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और अगला लेक्चर सेट थ्योरी का आज ही पब्लिश होगा, रात तक आपको 3 लेक्चर मिल जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है, बाय।